और भाई हम लोग तो टीवी एंकर्स हैं, टीवी पर आप हमें साक्षात देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, बयान सुनते हैं, बाइट सुनते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, आपको सब कुछ सामने सामने समझ में आता है, तो आप बहुत अच्छी भली भांति ये समझ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, और आपको बंधे रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है या नहीं, फिर ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन पर्दे पर आए बिना सिर्फ अपनी आवाज से लोगों को बांधे रखना, उनको एंटरटेन करना, भाई कम से कम मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन ये बखूबी करते हैं देश के जाने माने रेडियो जॉकी, रेडियो सिटी 91.1 FM के आरजे सलिल आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आरजे हैं, जो कि एक एक्टर हैं, जो कि एक वीजे हैं, जो कि एक शो होस्ट हैं। सलील भाई क्या रह गया आप? मुझे लगता है कि आपको, आपकी तरफ अगर मैं कैमरा कर दूं तो आप तो न्यूज एंकर भी बन ही जाएंगे बहुत अच्छे। एक्चुअली दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के टाइम पे तो मुझे लगता है कि हमें और बहुत सारी गुण जो है रखने पड़ेंगे अपने लिए। क्या पता है कुछ भी कैसा हो जाए, तो आई थिंक वी शुड ऑल हैव, वो कहते हैं ना, एक माया में दो तीर नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूँ कि 20 तीर रखने चाहिए, यू नेवर नो कितना यूज करना पड़ जाए। लेकिन आप जो तरकश से तीर चलाते हैं ना, आपके तरकश में बाणों की कमी कभी नहीं होती है, आपके आपके तरकश में हर तरह के बाण हैं, और इतनी कड़क प्रोफाइल है सलील भाई आपकी, और उतना ही कड़क आपका शो भी है ना? ये कड़क शो जो आ रहा है, जो 15 जुलाई से दोबारा शुरू हुआ है, इस बार क्या नया है सर जी, बताइए। एक्चुअली बातें ये हो गई हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना हुआ है, लोगों की जिंदगियां थोड़ी सी हिल गई हैं, क्योंकि लोग पहले जो बहुत ज्यादा सिक्योर थे अपनी सोच में, फ्यूचर के बारे में सोचने में बड़ा सिक्योर थे, अब उनका वर्तमान जो हिल गया है, उसकी वजह से सीधी बात और सच्ची बात रखनी उनके सामने बहुत जरूरी हो गई है। और एज रेडियो जॉकीज हम उनको एंटरटेन भी करते हैं, न्यूज भी बताते हैं, स्पोर्ट्स की बातें भी करते हैं, तो अब सोचिए कि अगर हमारे हाथ से सिनेमा और स्पोर्ट्स हटा दिया जाए, जो पिछले करीबन 120 दिन से हटा दिया गया है, तो मैं ये सोचता था, जब मैंने ये कड़क शो शुरू भी किया, मैंने सोचा कि देखिए हम वही बात बताएंगे जो लोग एक्चुअली सच में सुनना चाहते हैं। तो चाहे कुछ भी बात चल रही हो, तो अगर आप हाल ही में, अगर जो इतनी बड़ी देश में विवाद चल रहा है अबाउट एन एक्टर जो हमें छोड़ के चले गए, सुशांत सिंह राजपूत, तो रही बात दिल बेचारा की, रही बात ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फिल्में जो आ रही हैं, तो मैंने ऑलवेज ये माना है कि अब ऑडियंस जो है काफी नॉलेजेबल हो चुकी है, ऑडियंस अपनी खुद रिसर्च करती है, तो उनके सामने कड़क और सीधी बात रखना बहुत जरूरी है। और तभी उसी माध्यम से रेडियो में पहले जब लोग कतराते थे सच बोलने से, या फिर उसको कुशन करते थे, अब मैंने वो कुशन हटा दिया है। मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं सीधी बात उनके सामने पेश करना चाहता हूँ, और तभी कड़क में मैं यही प्लान करता हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ खास चीज इस बार नहीं दिखेगी हमें? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि एक कैरेक्टर ऑलवेज रेडियो का एक हिस्सा बन जाता है, उसमें से एक है मेजर पक्षी जो हमारे पास आ चुके हैं, वो तो पीटी टीचर हुआ करते थे, और अब वो ओके। हमारे शो पर हर रोज आके अपनी कुछ टिप्पणी देते हैं, तो उनका वो टेक बड़ा अलग रहता है। और क्योंकि एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी चीज है रेडियो के लिए, और एंटरटेनमेंट की वो तरीके से, जैसे अभी हाल ही में पापड़ और करुणा का कुछ रिलेशन की बात की जा रही थी, उनका एक अलग ही टेक था कि एक्चुअली क्या है पापड़ और हाँ मांस का कोरिलेशन, और तभी जो करुणा जो निकल रहा है, तो इट्स जस्ट लाइट हार्टेड ह्यूमर, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर एक सलील का रैप अटैप का हर फ्राइडे को आएगा, मैं एक रैप के जरिए से, देखिए हर कोई गा नहीं सकता है, मैं उनमें से हूं जिनकी आवाज ज्यादा मधुर नहीं है लेकिन बुलंद है, तो मैं सोचा कि मैं रैप ही करूंगा, और रैप के तरीके से मेरी क्या बहुत बात है। कमाल की टीम है जो मेरे साथ बैठती है, और हम पूरी बनाने की कोशिश करते हैं। एंड देन सडनली व्हाट आई से इज ओके, लेट्स मेक दिस गाना, और गाना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लोग हंसते भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि सलील भाई ऑटो ट्यून से भी आपकी आवाज ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं, तो मैं तो लगा रहूंगा। तो ये कुछ एक आध नई चीजें हम लेके आए हैं, प्लस जी बिजनेस के साथ हमारा नाता जुड़ गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि दीपक जी आपसे ही बात हो रही है, और अनिल हाँ सिंह बिल्कुल। साहब से भी बात होती है, बिल्कुल। और वहां पे भी कड़क में भी मैंने ये बोला था कि पहली बार रेडियो के इतिहास में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करेंगे जो जनता जानना चाहती है, तो ये पार्टनरशिप ये भी नहीं होती है। भाई आपने बॉन्ड की बात करी है, बॉन्ड यानी कि बंधन, और बंधन से अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, और मैं एक चीज का मुरीद रहा हूं आपकी टीम का। आपने गाने की बात की, मैंने कोरोना के टाइम पर पिछली बार भी आपसे कहा था भाई, जबरदस्त आप लोगों ने वो गाना बनाया था, और अब भी आप जो रैप करके आएंगे, आई एम श्योर वो लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाएगा। एक और जिसका मैं मुरीद हूं वो है आपकी जो टैग लाइन्स हैं, कैच लाइन्स हैं, और अब आप रक्षाबंधन पे एक एक आपने नया कॉन्सेप्ट सोचा है, वो है मास्क बंधन। भाई क्या क्रिएटिव नाम है ये, जरा बताइए मास्क बंधन क्या है ये?
बड़ा सिंपल सा फंडा है। रक्षाबंधन में ये होता है कि कृष्ण के टाइम से जब लोग रक्षा करते आए हैं, जहां द्रौपदी ने एक छोटे से साड़ी के साथ वो खून रोकने के लिए भी वो प्रथा शुरू की थी, तो हम भाई जो है अपनी बहनों की रक्षा करते आए हैं। लेकिन अब ये कोरोना के टाइम पर एक मास्क हम सबकी रक्षा कर सकते, तो ये मास्क बंधन सिर्फ भाई और बहनों की नहीं है, ये हर किसी के लिए हो चुका है। और तभी हमने ये सोचा कि उन लोगों को हम थोड़ा सा हाईलाइट भी करें, कुछ ऐसे बिजनेस हमारे ज्वाइन भी करते हैं। बिल्कुल ही चेंज कर दिया टाइम्स और मास्क बनाने लग गए हैं ताकि लोग की रक्षा हो सके। और लोगों के जहन में भी ये बैठ गया है कि अब बहुत सारी ऐसी नाटकियां होंगी आप देखेंगे जिसमें एक छोटा सा मास्क बना होगा, ये नई जो क्रिएटिविटी जो आ गई है। और ये सच है क्योंकि मास्क हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और रक्षाबंधन के टाइम पर अगर आप कोई भी चीज देना चाहते किसी को, आप स्वीट्स मत दीजिए, आप एक मास्क दे दीजिए या फिर कोई पीपी किट दे दीजिए या कुछ ऐसा दे दीजिए, क्योंकि यही मुझे लगता है कि हर किसी के काम पे आने वाला है। भाई क्या बात है सर, मुझे तो जलन भी हो रही है आप लोगों की टीम से। हमारे पास ये आइडिया क्यों नहीं आया मास्क बंधन का, इतना मुफीद नाम, इतना जबरदस्त नाम आपने सोच के रख दिया। भाई कमाल है वाकई में, अगर आपकी कोई रक्षा करेगा इस समय तो मास्क ही करेगा। इसलिए ये रक्षाबंधन आप जरूर, मास्क बंधन जरूर फॉलो कीजिएगा सलील भाई के साथ। सलील भाई जाते जाते एक बात मुझे बता दीजिए, मेरा पर्सनल आपसे मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, आपको फॉलो भी करते रहता हूँ मैं, ये बताइए आप तो जी कैमरा के फ्रंट में भी रहे हैं और कैमरा के बैक में भी, अब तो लोगों को ये मुश्किल ज्यादा क्या है सर, या ज्यादा आसान क्या है, फ्रंट में रहना सर, या एक्चुअली पता है क्या है पीछे से कि आवाज के जरिए लोगों देखो से बनना? आगे और पीछे रहना बहुत सिंपल हो जाता है कोई भी मीडियम पर, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आई थिंक हम लोग ने अपने आप को सही लोगों के साथ सराउंड किया है जो सीधी सच्ची बात आपको बताते हैं। जैसे कि अभी सलील भाई के बाल लंबे होंगे क्योंकि बाल काट नहीं पाए हैं, सलील भाई अच्छे नहीं लग रहे। अगर आप ऐसे लोगों को रखोगे तो ही आप सही काम कर पाओगे। दीपक जी आप भी जानोगे, अगर सारे सिर्फ बोला पड़ेगा अरे वाह क्या एक मिनट बोलते हो क्या दिखते सलील हो, भाई, यही मुझे यही रखोगे तो आपका करियर बन। आप सर मुझे टॉन्ट तो नहीं कस रहे ना मेरे लंबे बालों के लिए? आपके बाल तो सही लग रहे, मेरे बाल तो कहां से निकल गए। बट आई थिंक मेरी टीम बहुत सही रहती है और कतराती नहीं है, डरती नहीं है मुझे बोलने से कि जब गड़बड़ चल रही हो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलील भाई हमसे जुड़ने के लिए। आरजे सलील हमारे साथ थे, और ऐसे ही सर आप एंटरटेन करते हैं लोगों को, हंसाते रहें, क्योंकि हंसाना जो है दुनिया में सबसे सबसे अच्छा, सबसे पुण्य का काम है, अगर आप किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकें। और आप और आपकी टीम तो बखूबी ये काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे सलील हमसे बातचीत करने के लिए।